अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सरदार हुसैन और आज हम सीखने जाएंगे अपने WhatsApp DP पे फुल इमेज किस तरह सेट करें। तो हम पहले WhatsApp को क्लिक करने के बाद हम थ्री डॉट्स को क्लिक करेंगे। थ्री डॉट्स को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेटिंग्स पे आएंगे। थ्री डॉट्स को क्लिक करने के बाद सेटिंग को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर आ जाता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पेंसिल आइकन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर गैलरी में आने के बाद यहाँ पर मैं पिक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। गैलरी में आने के बाद मैं यहाँ पर इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं वहाँ पर सेट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट करा लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एडजस्ट नहीं हो रहा। एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस करेंगे ऑफ़ करने के बाद हम यहाँ पर गैलरी में आने के बाद आप उस पिक्चर को रोटेट करके एक स्क्रीनशॉट निकालेंगे। ओके, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट बटन को सिलेक्ट करेंगे। एडिट बटन को सिलेक्ट करने के बाद आप इसे करेंगे रोटेट। रोटेट करने के बाद आप इसे करें यहीं पर सेव करके स्क्रीनशॉट निकालने के बाद दोस्तों हम फिर से आएंगे व्हाट्सएप। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद हम फिर से व्हाट्सएप में पहुंच गए और यहां पर मैं फिर से कर लेता हूं इस डीपी को सिलेक्ट और पेंसिल आइकॉन और गैलरी। गैलरी को क्लिक करने के बाद हम फिर से उसी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे जो हमने स्क्रीनशॉट निकाला था। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर थोड़ा हम इसे करेंगे रोटेट। रोटेट करने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं और हम डन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हम फुल पिक्चर व्हाट्सएप पे इस तरह से रख सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड हुआ होगा। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर और साथ ही देखिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन से आप आगा रह सकें। अल्लाह हाफिज़।